खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद आशिर की रिपोर्ट के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS-64 ऑफिस पर तमाम यूसीज ओहदेदारान और कारकुनान का हंगामी इजलास तलब किया गया। सदारत के फ्राइज मुश्ताक अली कलहोड़ो ने अदा की। इजलास की बाकायदा कार्रवाई तिलावत कलाम पाक से की गई। तिलावत कलाम पाक के फ्राइज गुलाम हुसैन गद्दी सदर UC-84 ने अदा किया। तमाम यूसीज ओहदेदारान की पुरजोश आमद ने इस इजलास को कामयाब बनाते हुए भुटोस अजम से मोहब्बत का इजहार किया। तमाम यूसी सदूर ने खिताब करते हुए अपने भरपूर तआवुन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तंजीम जो जिम्मेदारी देगी उसे एहसन तरीके से निभाएंगे। मुश्ताक अली कलहोड़ो ने कहा कि तमाम जियाले 12 सितंबर कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए अपनी कमर कस लें और स्टैंड बाय रहें। बरवक्त जरूरत जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ आपकी ड्यूटी लगाई दी जाएगी। अकरम खान गद्दी ने अपने खिताब में कहा कि अब नहीं तो कब और अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए तमाम जियाले इलेक्शन में अपना किरदार अदा करते हुए उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकनार करते हुए एक तारीख रकम करें।